जय हिंद दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार डिबेट आपके सामने लेकर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस डिबेट में अपने ही सहयोगी दल वाले एक दूसरे पे हावी हो जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे का पोल खोल चल रहा है, जहां समाजवादी शिवसेना पर, समाजवादी कांग्रेस पर, शिवसेना समाजवादी पर। इस तरह से ये डिबेट बड़ा ही मज़ेदार होते जा रहा है। तो आप लोगों के समक्ष इस डिबेट को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, तो देखते रहिए। जय हिंद। इंडिया लाइन्स के पार्टनर है, एक बात बताइए, ये विचारधारा के साथ समझौता हो सकता है? इंडिया अलायंस की एक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम 370 की धारा को वापस लेके आएंगे और कांग्रेस उनके साथ अलायंस कर रही है, क्या कहना चाहते हैं आप समर्थन में आप इसके? देखिए, ऐसा है कि धारा 370 पर बहुत गंगा से पानी बह गया है और हमारे इंडिया अलायंस को समझाइए ना फारूक साहब को। समझाने की जरूरत नहीं, समझाना हमको बीजेपी को है, जो धारा 370 पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इनको मतलब, ठीक कहा, इनको मतलब नहीं है आम लोगों की समस्याओं से, मजदूरों, गरीबों, नौजवानों, किसानों। तो इनको ये अभी ज्ञान दे रहे थे, हर बात में अगर लैपटॉप दिखाएंगे तो लाइव डिबेट काहे के लिए करा रहे हैं आप? हम लोग कोई बोल दीजिए लैपटॉप लेके आएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। जो परवजल रेपन्ना के लिए राबड़ी बांट रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे थे, उस पर क्यों चुप हो जाते? जो मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है बीजेपी के नेताओं से, उस पर क्यों चुप हो जाते? अगर कोई माताओं बहनों पर, कोई बेटियों पर अगर अत्याचार अन्याय उत्पीड़न होता है, उसके खिलाफ कोई दल हो, कोई दोषी हो, उसको फांसी मिलना चाहिए। और ये लैपटॉप के साथ आपकी दुश्मनी है क्या? नहीं, लैपटॉप पर हमको इसलिए दुश्मनी है, जब ये लाइव डिबेट है तो हमारे भाई क्या करते हैं है। लैपटॉप पर तो सब बच्चा देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। अब लैपटॉप अगर अलाउ आप कर देंगे, हम लोग भी लेकर आएंगे और सब चीज लैपटॉप से दिखाएंगे। कांग्रेस की तरफदारी करने वाले आज भाजपा ही बने हुए हैं, इसके बाद वो भी लैपटॉप दिखा रहे हैं। अरे भाई, मुंह कब पड़ रहा है? आपको तो इतना अच्छा भगवान ने दिया है, इतना आवाज बुलंद दिया, लैपटॉप लेके काहे घूमते हैं? ठीक है, अभी मदद है भाई, अभी मदद। सही है कि भाजपा वाले लैपटॉप निकालते हैं, आपकी तरफ बंदूक नहीं निकालते। जंगल राज किसने बनाया बंदूक निकाल निकाल के? ये देश की जनता देखती है, सुन लीजिए। मैं इसलिए नहीं हूं, हर वाक्य में डिस्टर्ब नहीं, हर वाक्य में डिस्टर्ब नहीं हो सकता, हर वाक्य में डिस्टर्ब, अमित जी हर वाक्य में डिस्टर्ब नहीं हो सकता, अमित जी हर वाक्य में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपने बोला, इन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में था, मैं कांग्रेस से बीजेपी, बिल्कुल सही बात है। मुझे बताइए कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डाला तो लालू जी को जेल में डाला, तो उन्होंने बेटी का नाम मीसा रखा था। जिस व्यक्ति ने अपने बेटी का नाम उस कानून पर रखा जो इंदिरा गांधी ने कानून लगाकर अपने आप को बंद करवा जो मेरे इतिहास पे सवाल उठाते, अपना इतिहास बेटी का नाम मीसा रखकर, उसी मीसा की जो इंदिरा गांधी के बेटे और पोतियों के साथ जाकर गठबंधन करते और मुझ पे सवाल उठाते, मुझे लगता है इतना हिपोक्रेसी लेकर कहां से आते हैं। मुझे आज मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने 370 पे आपने बात छेड़ी थी, आपको पता है ये संविधान बच्चों इनके अलायंस का नारा था ना? नहीं था। जब तक 370 लागू था, जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होता था और भारत के हर हिस्से में वाल्मीकि समाज को अधिकार मिले, पर जम्मू कश्मीर में नहीं मिले। 370 हटने के बाद पहली बार वाल्मीकि समाज को वहां पर अधिकार मिला, ये इसके खिलाफ है क्या? और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस में उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है, वो कहते हैं हम अगर जीते तो हम 370 रीइंपोज करेंगे। पूछ लीजिए कि 370 के साथ है, 370 के खिलाफ है? सुन लीजिए, पटेल जी ने और अंबेडकर जी ने 370 का विरोध किया था, अब 370 के साथ या अंबेडकर के खिलाफ? गठबंधन के लिए विचारधारा और देशहित के साथ अनदेखी हो रही है, क्योंकि 370 की बात करके यही बात हो रही है क्या? विचारधारा साथ भी समझौता हो रहा है, उद्धव ठाकरे के विचारधारा के साथ समझौता करा है, ये भी बहुत बड़ा विषय इस दौर में। संजय गुप्ता आ गए स्टूडियो, जोरदार तालियां संजय गुप्ता के लिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे के हैं। एक सेकंड रुक के जाइए, ये उद्धव ठाकरे जी भी समझौता कर रहे हैं क्या? समझौता अपनी विचारधारा के साथ? नहीं, देखिए उद्धव जी अपने तो कांग्रेस का पटका डाल लिया। कांग्रेस का कोई पटका डाला? किसी साथी से हाथ मिला लेने से कोई ऐसा पटका डाला? जी पटका डालने से अगर कोई किसी के फंक्शन में गया है, कोई किसी से हाथ मिला रहा है, तो उसके बाद थोड़ी उसने अपनी विचारधारा को त्याग दिया। मैं आपको तीन उदाहरण दे देता हूं। ये उद्धव जी के ही साथी है और उद्धव जी है जो कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत एक संविधान होना चाहिए और 370 हटना चाहिए। आज इन्हीं के अलायंस के जो लोग हैं एनसी, वो कहते हैं 370 वापस आना चाहिए। पूछिए इनसे 370 हटाने के पक्ष में या उसके साथ है। दूसरी बात, दो छोटे सवाल। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने वैसे तो कहा था कि कांग्रेस के साथ मैं कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, उन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ तो खुलकर बोला था, वो है अबू आजमी। अबू आजमी ने याकूब मेमन की पैरवी की थी। सुनिए, अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा। याकूब मेमन मुंबई का हत्यारा जिसने बॉम्ब ब्लास्ट कराया, और उसी याकूब मेमन की पैरवी करने वाले अबू आजमी से कौन मिलता है मातोश्री में? बाला साहब ठाकरे जी के पोस्टर पिक्चर के सामने उद्धव ठाकरे। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने माफ कर दिया? ये वही अबू आजमी है जिसने बाला साहब ठाकरे जी को किस प्रकार से ओल्ड और सीनाइल गालियां बती थी, आज उनके साथ आ गए। पटका नहीं, पट्टा डाल दिया इन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, पट्टा डाल दिया। सही बात है, ये अबू आजमी से मिलने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसमें ज्यादा अनकंफर्टेबल ये अनुराग गुदरिया, इनकी पार्टी के हैं भाई, इनकी पार्टी के मुंबई चीफ है वो, ये समझ रहे हैं, इस तरफ जाए उस तरफ जाए। देखिए मेरी एक बात सुनिए आप, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मिलने से, उससे हाथ मिलाने से कोई अपनी विचारधारा नहीं त्याग देता। एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बता दे ये जिसके साथ इन्होंने गठबंधन ना किया हो। कौन सी नहीं है? पीडीपी के साथ नहीं गया, एनसीपी के साथ नहीं गया, कौन सी ऐसी पार्टी? नीतीश कुमार हिंदुत्व विरोधी के साथ नहीं गया क्या? उससे उनके उनके साथ देखिए, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हिंदुत्व विरोधी ना हो, कांग्रेस को एक दो छोड़कर जिनके साथ इन्होंने गठबंधन ना किया हो। किसी के साथ गठबंधन करने से पटका डालने पर बीजेपी ने इसको बड़ा विषय बना दिया।
और ये तो विषय कोई बड़ा बनाते हैं, विषय की बात यह कि एक 2019 के अंदर अजीत पवार जी आए थे, अजीत पवार जी आए स्कूल में, सिंधु विरोधी है, इनके 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 कांग्रेस सिंधु विरोधी है कि नहीं, एनसीपी भी तो है, एनसीपी को आपने दो कांग्रेस सिंधु विरोधी है मान रहे हैं, एनसीपी भी तो है, ये कह रहे कांग्रेस सिंधु विरोधी विरोधी हिंदुत्व विरोधी है, हिंदुत्व हिंदुत्व विरोधी है ना, हिंदुत्व विरोधी नहीं है। एक इन्होंने कहा कि हम लोग जो है असली शिवसैनिक है, असली शिवसेना की पहचान क्या थी कि मराठी मानुस और हिंदुत्व की लड़ाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मराठी मानुस पर कांग्रेस ये कहती है, सुनिए, मराठी मानुस रेप करेगा, और सुन लीजिए सर प्लीज विषमा बोलिए, मराठी मानुस रेपिस्ट है। और दूसरी बात सनातन समाप्ति डीएमके ने बोला, सनातन बीमारी खड़गे जी के बेटे ने बोला, खड़गे जी ने कहा सनातन का राइज हो जाएगा, और उन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। बताइए आप शिवसेना में है तो बताइए कैसे आपका स्टैंड है, एक बार बता दीजिए आपका क्या स्टैंड है। इस तरह जो कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बोला उस पर आपका बयान क्या है? देखिए हमारी अपनी विचारधारा है, हम अपने साथ आलोक शर्मा के नहीं, देखिए कोई भी हिंदुत्व विरोधी जो बात है उसके साथ हम नहीं है, हिंदुत्व विरोधियों के साथ गठबंधन करना एक अलग चीज है, और अपने नीतीश कुमार सर्वधर्म संभावी है, कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश विरोधी है। आप लोग कांग्रेस के साथ हो, माफ करिए कि लेकिन उसी मुझे तो वो कादर खान और जॉनी लीवर की फिल्म याद आ रही है, मतलब मैं आपके साथ हूं। देखिए हिंदुत्व विरोधी हमारे देश के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन कौन कौन, एक सेकंड, हिंदुत्व विरोधी कौन कौन सी पार्टी है? जैसे कि कांग्रेस है, जैसे कि पीडीपी है जिनके साथ इनका गठबंधन तीसरा रहा, ये सपा और आरजेडी ये भी है क्या? सपा भी हिंदुत्व विरोधी वैसे तो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ये हिंदुत्व विरोधी है, ये आपके अलायंस के भाई, अलायंस है आपके, ये आपका अलायंस है। जो राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, जो राम मंदिर पे नहीं गए वो हिंदुत्व विरोधी है, ये बड़ी बुरी तरह से पॉलिटिकल हैरेसमेंट हो गई है अनुराग बदोरिया के लिए। क्या है कि इस तरह की भाषा जब इस्तेमाल की जाती है डिबेट में कि फलाना ये विरोधी वो विरोधी, तो बड़ी तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि सबको अपनी सहमता से बात करना चाहिए, हम लोग किसी को भी सच क्या बोल रहे हैं उन्हें नहीं पता, बोल क्या रहे हैं, दो ना अपनी बात। देखिए सवाल यह है कि वो क्या बोल जा रहे हैं उन्हें पता नहीं है, लेकिन मुद्दों पर आना चाहिए, क्योंकि हम लोग मुद्दों से डाइवर्ट हो रहे हैं, हमने बार बार ऐसी बात सोच समझ के नहीं बोल रहे, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर जो आदमी राम मंदिर पे नहीं जाने के लिए तैयार है, उसके पारदर्शिता प्रोग्राम पे जाने के लिए तैयार हुआ, वो हिंदुत्व विरोधी है भाई। आज गीता की कसम खा के आए, ये गीता की संगत का क्या है, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। इंडिया अलायंस करा, हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो, ये कितनी देर बोलेगा, हमारी पोल खोले जा रहा है, ये परेशान हो गए दोनों। तो कैसा लगा दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। भारत माता की जय, जय हिंद।